मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओके तो दोस्तों आज के स्टेटस में जो आपने देखा है गाइस ओल्ड हिंदी सॉन्ग पर हम बनाए हैं बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग स्टेटस। दोस्तों अगर आप इस प्रकार का ओल्ड हिंदी सॉन्ग पर डीजे स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत ईजी स्टेप में बताने वाला है। सो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग सॉन्ग पर डीजे स्टेटस का ट्रेल लाते हैं और लाते रहेंगे। सो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है गाइस अलाइट मोशन, ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड ऑप्शन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर हमने पिन करके रखा, वहाँ से आकर के आप ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो वगैरह भी सब चीज़ यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जो भी फोटो वगैरह यूज़ करता हूँ सब मैं यहीं पर पोस्ट कर देता हूँ। और दोस्तों अगर आप भी अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगा करके इंटरेस्टिंग स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको नाम सर्च कर लेना है सूरज प्रजापति टेक्निकल, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना अलर्ट मोशन को ओपन करना है, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मटेरियल देखने को मिल जाएगा जैसे सॉन्ग बिटमार्क और साइकिल नाम का दो मटेरियल, उसे आपको डाउनलोड करने के बाद आपको प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। सो गाइस आपको प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेगीफेट और सॉन्ग बिटमार्क नाम का दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ का सॉन्ग बिटमार्क ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइस स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई भी नंबर यहाँ पर सेट करके नहीं रखा है, तो सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे और बहुत ही स्टेप में बताएंगे तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इफेक्ट भी दिखाता हूँ कितने इफेक्ट ऐड होने वाले हैं। यहाँ पर आपको सेगीफेट में जाना है, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 टोटल आपका 6 इफेक्ट जो है, ये जो इफेक्ट है इसको थोड़ा सा क्रिएट करने में अलग आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे ऐड होगा वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपका टोटल 6 इफेक्ट यूज़ होने वाला है। सबसे पहला जो इफेक्ट है हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है, और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों हम इस सॉन्ग बीट पार्क में इस प्रकार से आ जाते हैं और कैसे यहाँ पर आपको जो ये बीट दिख रहा है ना, आपको जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और अगर प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आप नाम पर क्लिक करके जहाँ भी आप फोटो रखे रहेंगे वहाँ से आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस फोटो को लेता हूँ और थीट पर क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देता हूँ और एरो पर क्लिक करके बचे भाग को इस प्रकार से मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हमने इफेक्ट अभी कॉपी किए थे फर्स्ट वाला वही को ला करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सो गाइस एरो पर क्लिक करना और प्लस पर क्लिक करना और मीडिया पर जाकर आपको कोई अदरवाइज कोई भी आप फोटो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस फोटो को लेता हूँ, एरो पर क्लिक करके बचे भाग को इस प्रकार से कट कर देता हूँ, फिर से प्लस पे क्लिक करना है और जो भी आप फोटो आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों फोटो लगा करके एरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस प्रकार से आपको कट कर देना है, ठीक है। और गाइस प्लस पे आपको बैक करना है और अपने सेगीफेट में इस प्रकार से आ जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट को छोड़कर जो सेकंड वाला इफेक्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। एंड दोस्तों सॉन्ग बिटमार्क इस प्रकार से आपको आ जाना है, एरो पे क्लिक करके जो अभी दो फोटो आप अटैच किए हैं, ठीक है, आपको इस जो दूसरा वाला इफेक्ट है फोटो पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, फिर आपको एरो पे क्लिक करना है, फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर जाना है और अदरवाइज आप फिर से कोई फोटो ले लेते हैं और थ्रेड पे क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन करना है, एरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अब आगे देखिएगा आपको बहुत ईजी स्टेप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये वाला फोटो दिख रहा है आपको क्या करना है, बैक करना है और सेगीफेट में आना है। यहाँ पर जो आपका ये थर्ड वाला इफेक्ट है हम इस पर क्लिक कर लेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क पर इस प्रकार से हम आ जाएंगे। जो आपका ये वाला फोटो दिख रहा है बीच में बड़ा वाला इस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके इस वाले इफेक्ट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप लोग को थोड़ा सा सरप्राइज भी मिलने वाला है, मतलब आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको स्टेप जो है ईजी होता जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप जो ये छोटा वाला बीट दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर के सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पर जाना, कोई भी आपको फोटो अटैच करना है थ्रेड पे क्लिक करके फुल स्क्रीन करना है और एरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो आपका छोटा वाला बीट दिख रहा है, ठीक है, छोटा वाला जो आपका बीट दिख रहा है यहाँ तक आपको ये जो फोटो है आपको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पर यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो प्लस पे क्लिक करूँगा हम और फोटो पे क्लिक कर लेंगे और थ्रेड पे क्लिक करके इस प्रकार से हम फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है, और बचे हुए भाग को इस प्रकार से कट कर देंगे। यहाँ पर कैसे हम वन पहला इफेक्ट लगा लेंगे, दूसरा इफेक्ट लगा लिए, तीसरा लगा लिए, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ से लेकर जो छोटा वाला बीट है यहाँ पर हमारा कौन सा इफेक्ट लगेगा, चौथा वाला लगेगा। तो इफेक्ट पे आते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो ये चौथा वाला इफेक्ट है हम इस पर क्लिक कर लेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है।
तो गाइस कॉपी फेड करने के बाद आपको इस प्रकार से शॉपबिट मार्क में आ जाना है। और गाइस यहाँ पर आप जो फोटो यहाँ पर अटैच किया था छोटा वाला, आपको चौथा वाला इफेक्ट को क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। ये वाला जो इफेक्ट है आपका यहाँ तक आपको आने के बाद आपका जो है सभी पर आपको इस प्रकार से लग जाना, ये जो इफेक्ट है ये सभी पर आपको इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। और गाइस यहाँ से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर गाइस कुछ नंबर मैंने फेस करके रखा है, ठीक है। तो नंबर के हिसाब से आपको सभी जगह पे फोटो को अटैच करना है और नंबर वाइज आपको इफेक्ट भी ऐड कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस जो आपका ये वाला जो फोटो है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका जो कौन सा यहाँ पर कैसे अटैच होगा तो भी आपको दिखा देते हैं। तो आपको प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पर जाना है, कोई भी आपको फोटो को अटैच कर लेना है और चेयर पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है और एरो पर क्लिक करके बच्चों जो यहाँ पर जो नेक्स्ट बीट है यहाँ तक आपको इसको मिला देना होगा, ठीक है। और दोस्तों जो ये फोटो है आपको स्क्रॉल करके इस प्रकार से नीचे लाना है, इसको सबसे नीचे आपको इस प्रकार से लाना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का है और बहुत ही यूनिक लग रहा है, ठीक है। तो वैसे इतना आपको ये कर देना होगा। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं नंबर वाइज सब मैंने फिक्स करके रखा है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से आपको अटैच कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जितना भी आपको दिख रहा है नंबर और यहाँ पर आपको फोटो अटैच करना है तो यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक सबसे पहले आप फोटो अटैच कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी रहेगा। तो प्लस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करके फोटो पे क्लिक करके फुल स्क्रीन प्रकाश कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपको जितने भी फोटो दिख रहे हैं सभी पर आपको फोटो को अटैच कर लेना होगा बीट के हिसाब से। और उसके बाद जो यहाँ पर नंबर यहाँ पर लिखा हूँ मैं सीरियल वाइज लगा के आपको इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ, सही इफेक्ट मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मैं ऑलरेडी इफेक्ट भी ऐड करके दे दिया हूँ तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आई होप, ठीक है। यहाँ पर सबका आपका स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसा ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहले से मैं क्रिएट करके रखा हूँ तो वैसे आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमारा जो ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका थोड़ा बहुत लैग होगा तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गैलरी में सेव करना होगा। तो सेटिंग के बगल में बॉक्स पर क्लिक करके इसको आप गैलरी में सेव कर लीजिएगा, इसलिए आपके 2 मिनट में या 3 मिनट में अपलोड हो जाएगा। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।